आज के इस वीडियो में हम कवि रत्नाकर जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म काशी, जो कि वर्तमान वाराणसी है, वहां पर 1866 में हुआ था। कवि रत्नाकर जी का जीवन परिचय देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक अगर आपने गद्य साहित्य की ये दसों लेखक परिचय इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और पद्य साहित्य के ये 20 कवि परिचय इनकी भी हमने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप देख सकते हैं। अब रचनाएं देखेंगे हम, तो रचनाएं हैं हिंडोला और कलकासी। ये दो रचनाएं आपको रत्नाकर जी की याद कर लेना है। परीक्षा में दो रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थानीय पूछा जाएगा। भावपक्ष देखेंगे हम, रत्नाकर की भक्ति का दार्शनिक आधार बल्लभ और चैतन्य की समन्वित विचारधारा है। वह राधा कृष्ण को उपास्य मानकर वैष्णव धर्म की उदारता लेकर चले हैं। वे सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक रूढ़ियों का उन्मूलन कर स्वस्थ परंपराओं का पुनरुद्धार करना चाहते हैं। कविता का धरातल वैचारिक अभिव्यक्ति रीति अनुमोदित और आत्मनिष्ठ है। वाणी की अतिशय अलंकृति भाव व्यंजना में बाधक नहीं होती। ये भाव पक्ष रत्नाकर जी का। अब हम कला पक्ष देखेंगे। आपने कथात्मक, वर्णनात्मक एवं निबंधात्मक प्रबंध और गेय, पाठ्यसूक्ति तथा प्रबंध मुक्तक आदि शैलियों के सफल प्रयोग किए हैं। रत्नाकर की कृतियाँ भक्ति, श्रृंगार, वीर तथा नीति प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे भावना से रस सिद्धि, अभिरुचि से अलंकारवादी और प्रवृत्ति से समन्वयवादी हैं। अब हम यहाँ पर रत्नाकर जी का साहित्य में स्थान देखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे, तो ये है इनका साहित्य में स्थान। इस प्रकार आपको कवि रत्नाकर जी का जीवन परिचय अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे टोटल NCERT कोचिंग यूट्यूब चैनल को।